share and subscribe our 24/7 channel. Also download our 24/7 app. Good morning everyone. Awaaz clear hai aur video clear hai hopefully. So let's start daily current affairs with me. और मेरा नाम है कीर्ति पांडे. मैं आपके लिए लाई हूँ डेली करंट अफेयर्स. आज है 11th ऑफ सितंबर. वेरी गुड मॉर्निंग. और लेट्स स्टार्ट द सेशन. सो देखिए यहाँ पे हम लोग पहले बात करेंगे कुछ उस करंट अफेयर के जो अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है और डेली है. और उसके बाद हम लोग बात करेंगे उन करंट अफेयर्स के जो 6 मंथ के बेसिस पे इम्पॉर्टेंट है. तो अभी से लेके नेक्स्ट वीक यानी कि वो 7 दिन और आज का दिन हम लोग बात करेंगे 6 मंथ के डेली करंट अफेयर्स के, 6 मंथ के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में. राइट. सो लेट्स स्टार्ट. बताइए कि प्राण, ठीक है, ये पोर्टल एक मंत्रालय ने शुरू किया है. ये किस मंत्रालय ने शुरू किया है, पहले आप इसका आंसर दें कि प्राण पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है. यस गाइज प्लीज हरी अप इन द कमेंट सेक्शन. आप लोग जल्दी जल्दी आंसर बताना शुरू करें और आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स टुडे. रोज आई गो इन माई स्पीड बट टुडे, फ्रॉम टुडे आई विल वेट फॉर योर आंसर. आई सी दैट बच्चे क्या आंसर दे रहे हैं. सो आई एम नॉट गेटिंग एनी आंसर राइट नाउ. चलिए आंसर आना शुरू हुआ है. ठीक है, तो पहला आंसर रेनू यादव का आया है. जय हिंद नीर मोहम्मद. रेनू यादव और नीर मोहम्मद दोनों ने आंसर दिया है ए. तो लेट्स सी. आंसर ए नहीं है गाइस, आंसर जो है वो है सी. ये जो प्राण पोर्टल है ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, जय हिंद, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने शुरू किया है. इसके मंत्री जो है उनका नाम है भूपेंद्र यादव. और ये प्राण PRANA ये क्यों है, ये 132 सिटीज में, 132 सिटी में देखेगा पूरे कंट्री में कि पोर्टल फॉर रेगुलेशन ऑफ एयर पोल्यूशन इन नॉन अटेनमेंट सिटीज. तो ये क्या है, रेगुलेशन फॉर एयर पोल्यूशन करेगा. ये देखेगा कि क्या वहाँ का हवा प्रदूषित है, प्रदूषित है तो उसको रेगुलेट करेगा कि क्या करना चाहिए उस चीज़ के लिए. ठीक है, और ये आपको दिख रहा है प्राण .cbcb, ठीक है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड .government.in. ये हेल्प करेगा इसको कि इंफॉर्मेशन देगा एयर क्वालिटी के बारे में, लोगों के बारे में, फिजिकल स्टेटस, फिनेंशियल स्टेटस और पूरे सिटी में कैसे आप एक्शन प्लान एयर को ठीक करेंगे. अभी आप जानते हैं कि एयर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. अगर पोल्यूशन रहा तो बहुत सारी बीमारियां फैल रही हैं. कोविड भी एयर के कारण ही आ रहा है. माना जा रहा है कि 10 मीटर तक एरोसोल जो है उसको कैरी कर सकती है. अंडरस्टूड गाइस, आवाज़ क्लियर है ना. जहाँ पे भी आवाज़ क्लियर नहीं होगा या कोई भी डिस्टर्बेंस होगा प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा. अब देखें यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स डाला है मैंने. वेरी गुड सादिया शेख, आपका आंसर बहुत बिल्कुल सही. और मुझे एक ही बच्चा मिला है जिसका आंसर सही है, उनका नाम है सादिया. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट कि यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूज़ भी हैं जो मैंने कवर किया है कि टीचर्स डे जो इस बार 2021 में हुआ है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने शिक्षक पर्व शुरू किया है. क्या शुरू किया है, शिक्षक, ठीक है, शिक्षक पर्व. शिक्षक आप समझते हैं, टीचर को शिक्षक कहते हैं. शिक्षक पर्व 2021. और ये किस मंत्रालय ने इसका ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज किसने किया है, ये है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन. मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने शिक्षक पर्व को ऑर्गेनाइज किया, लेकिन इसका जो ओकेजन को इनॉग्रेट किया, तो इनॉग्रेट करने के लिए हमारे पास एकलौते इंसान है जिनका नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी, प्राइम मिनिस्टर. ठीक, अब उड़ते स्टार्स, मैंने उस बार भी उतरे बोला था, उड़ते स्टार्स, फ्लाइंग स्टार्स फंड, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का है. ठीक है, ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम. अब देखो ये क्या है ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम, इसमें बेसिकली बोल रहे हैं कि ये सबको ले जाएंगे पहाड़ पे, चढ़ाएंगे सियाचिन में उन लोगों को जो स्पेशली एबल्ड है या दिव्यांग है. इन ये कौन सा मंत्रालय शुरू किया है ये ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम, ये किस मंत्रालय ने शुरू किया है गाइस,
देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन आता है, ये जो मैं एक्स्ट्रा नॉलेज देती हूँ ना, ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है। तो ये शुरू किया है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने, ठीक है। विच स्कीम हैज बीन अप्रूव्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसेंटली टू अडॉप्ट होलिस्टिक एंड इंटीग्रेटेड अप्रोच इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। होलिस्टिक का क्या मतलब होता है? होलिस्टिक का मतलब होता है कि पूरी तरह से, इंटीग्रेटेड का मतलब होता है कि वहाँ पे जहाँ पे प्रॉब्लम है वहाँ पे पिन पॉइंट करके इंटीग्रेट उसको करेंगे ये, और पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट देंगे। ये प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना है, गति शक्ति योजना, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने बोला है कि हम लोग ट्री प्लांटेशन कैंपेन करेंगे 2021 में, और ये अगस्त में कहा गया था। मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने कहा है कि हम लोग बहुत सारे पेड़ लगाएंगे। अब इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिए, तो मैं आपके कमेंट्स देखती हूँ। वेरी गुड मॉर्निंग अभिषेक, पवन, मंजू, पूजा एंड आशीष, श्रद्धा, सचिन, रेनू, नील मोहम्मद और सागर सिंह, वेरी 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 गुड मॉर्निंग। और आप लोग आंसर दीजिए प्लीज कमेंट सेक्शन में जल्दी से। और भी बच्चे हैं, उनका नाम है शिवानी साइनी, रेगुलर, सादिया, सादिया का आंसर सही है, वेरी गुड, एंड प्रशांत, हाँ जी। और आप लोग लाइक करेंगे सेशन को प्लीज, सारे बच्चे क्या करेंगे सेशन को लाइक कर दीजिएगा, मैंने भी कर दिया है, और थोड़ा सा सेशन को शेयर भी करना होता है, शेयर करना इम्पॉर्टेंट है गाइस। शेयर करने से ज़्यादा बच्चे आएंगे, कंपटीशन का लेवल बढ़ेगा और क्लास में ज़्यादा मज़ा आएगा। तो आप लोग इसको जहाँ पे भी हैं, जिस भी प्लेटफॉर्म पे हैं, गणपति बप्पा मौर्या करके इसको शेयर कर दीजिए, मैं भी शेयर कर देती हूँ, जिस जिस प्लेटफॉर्म पे मैं हूँ वहाँ वहाँ मैं शेयर कर देती हूँ उस सेशन को। तब तक आप लोग आंसर बताइए जल्दी से। यस, नॉट गेटिंग द आंसर्स, मतलब रेट इतना कम क्यों आता है आंसर का, आप लोग आंसर देने में हेजिटेट क्यों कर रहे हैं? शेरपा क्या होता है? शेरपा क्या होता है ना कि जो उनको हेल्प करता है चढ़ने में, माउंटेन को चढ़ने में, वो शेरपा होता है। जैसे एडमंड हिलरी जब गए थे तो टेंजिंग नॉर्वे जो है उनके शेरपा थे, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं कि इंडिया विल होस्ट G20 समिट टू हेल्ड इन द ईयर 2023, ठीक है। फॉर दिस हु हैज अपॉइंटेड एज शेरपा बाय इंडिया, तो मतलब इसमें कौन इनको रिप्रेजेंट करेगा? तो देखिए, ये जो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल, इनको इंडिया का शेरपा यानी कि ये समिट है ना, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ये समिट है, समिट यानी कि पर्वत की ऊंची चोटी, तो इसको चढ़ने में, मतलब लिटरली नहीं समझना, मेटाफर है, इसको पीयूष गोयल हेल्प कर रहे हैं इनको। और G20 जो है एक इन्फ्लुएंशियल ग्रुप है जी। अभी किस चीज़ की मीटिंग चल रही है? ब्रिक्स की मीटिंग चल रही है। ब्रिक्स में कौन है अध्यक्ष? इंडिया है, यानी कि नरेंद्र मोदी जी जो है वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और यहाँ पे कौन रिप्रेजेंट करेंगे? पीयूष गोयल, जो कि कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री है, ठीक है, कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट, फूड एंड पब्लिक एंड फूड डिस्ट्रीब्यूशन जो एंड टेक्सटाइल जो है इनके अंदर है। अंडरस्टूड गाइस, यानी कि ये इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे एक तरह से, इसका यही मतलब हुआ। तो लैंग्वेज मैंने बस क्वेश्चन का चेंज किया है। अब बताएं G20 समिट 2022 कहाँ होगा? 23 तो इंडिया में होगा, ठीक है, 22 होगा इंडोनेशिया में। G20 में 20 देश आते हैं और एक यूरोपियन यूनियन आता है जिसमें टोटल 27 कंट्री है। पहले 28 कंट्री थे लेकिन ब्रेग्जिट होने के बाद यहाँ पे 27 कंट्री ही बचे हैं। विच कंट्री विल होस्ट ब्रिक्स 2021? तो देखिए, इंडिया में ऑलरेडी चल रहा है, ये वर्चुअल है, वर्चुअल है, कोविड के कारण वर्चुअल है। और इसके पहले हमने 2012 में और 2016 में भी ब्रिक्स को की मेज़बानी की हुई है, तो ऐसा कोई नया बात नहीं है कि 2021 में कर रहे हैं, हम लोग पहले भी इसकी मेज़बानी कर चुके हैं। और देखिए, नए 3 कंट्री ऐड हुए ब्रिक्स में, एक हो गया आपका उरुग्वे, एक हो गया आपका बांग्लादेश और एक हो गया आपका UAE, राइट, तो 3 कंट्री ऐड हुए हैं। अब बताएं कि एशियान मैंने काफ़ी बार पढ़ाया है, एशियान में 10 कंट्री होते हैं, इंडिया इसका मेंबर नहीं है। तो इसमें 36th और 37th मीटिंग जो है ये कहाँ पे विल बी ऑर्गेनाइज, कहाँ ऑर्गेनाइज होगी इसकी मीटिंग, ये बताइए आप लोग कमेंट सेक्शन में। और आप लोग इतना स्लो आंसर क्यों दे रहे हैं? टेल मी दैट। तो ये तो लिखा हुआ है ना यहाँ पे, वियतनाम में होगी। प्रेसिडेंट ऑफ
बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ये हेमंत बिस्वा शर्मा है, ठीक है, असम के चीफ मिनिस्टर। चलिए अब ये बताइए आप लोग कि इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी इंडियाज फर्स्ट पॉलन कैलेंडर हैज बीन डेवलप्ड। तो कहाँ पे पहला पॉलन कैलेंडर डेवलप हुआ है? पॉलन समझते जैसे ये फूल है और ये एंथर है, एंथर में जो छोटा छोटा ऐसे रहता है, उड़ूल का फूल देखा आपने, हिबिस्कस, तो ये जो है ये पॉलन ग्रेन्स होता है। तो अभी आपसे पूछा जा रहा है कि इंडिया का पहला पॉलन कैलेंडर कहाँ पे डेवलप हुआ है? टेक्सटाइल कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फूड प्रोसेसिंग जो है वो पीयूष गोयल है। वेरी गुड सादिया, एक्सेलेंट, योर आंसर्स आर वेरी इन्फ्लुएंसिंग, हाँ काफ़ी अप्रिशिएबल है तुम्हारा आंसर्स। और नीर मोहम्मद पूछ रहे हैं क्या मैडम ये सी है? तो बिल्कुल नीर मोहम्मद आपका आंसर सही है, चंडीगढ़। चंडीगढ़ जो है ये पहला यूनियन टेरिटरी है या स्टेट यूनियन टेरिटरी, इंडिया फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन इंडिया। ये टीम जो है इसने एक स्टडी कंडक्ट किया है, ये एयरबॉर्न पॉलन स्पेक्ट्रम को, पॉलन कैलेंडर ये जारी करेगा, बस इतना जानना ज़रूरी है। और इसके पीछे पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च एंड पंजाब यूनिवर्सिटी, जो कि दोनों चंडीगढ़ में है, इसको हेल्प कर रहा है। ज़्यादा जानकारी आएगी तो मैं और डिस्कस कर दूंगी पॉलन के बारे में, ठीक है। रिसेंटली रेलवे स्टेशन हैव गॉट 5 स्टार इन ईट राइट स्टेशन। ईट राइट स्टेशन में 5 सितारा मिलने वाला जो जगह है वो भी चंडीगढ़ है। और चंडीगढ़ में वेयर इज द इंडियाज टॉलेस्ट एयर प्योरीफायर बी इनॉग्रेटेड, तो एयर प्योरीफायर जो स्मॉग टावर है, स्मॉग टावर वो दिल्ली में तो आया ही है, लेकिन ये कह रहे हैं कि सबसे टॉलेस्ट एयर प्योरीफायर कहाँ आएगा, तो ये चंडीगढ़ में आएगा। किसने आर्किटेक्ट किया था? देखो चंडीगढ़ जो है ना ये पूरा प्लान्ड सिटी है, इसलिए बहुत सुंदर है, दिल्ली वगैरह से ज़्यादा डेवलप्ड है चंडीगढ़। ये पूरा ब्लॉक में ऐसे डिवाइडेड है, पूरा प्लान्ड है ये, तो इनको प्लान करने वाले, इनका नाम है ली कॉर्बूजियर, ली कॉर्बूजियर, ठीक है, कॉर्बूजियर भी बोलो जो बोलो, कॉर्बूजियर, इन्होंने ही चंडीगढ़ को पूरा प्लान किया है। सुखना लेक है, ये एक आर्टिफिशियल लेक है, सुखना लेक, सुखना लेक जो है ये भी चंडीगढ़ में है, इसको याद रखिएगा। रॉक गार्डन भी चंडीगढ़ में है। और बिटवीन टू सिटीज डिड इंडियाज फर्स्ट एयर टैक्सी कहाँ कहाँ चली थी? तो ये हिसार से चंडीगढ़ चली थी। चंडीगढ़ के बारे में इतना जानकारी आपको पता होना चाहिए, घर बनवा दूँ चंडीगढ़ में। तो अब बताएं, अब आते हैं हम लोग 6 मंथ के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स पे। पहला क्वेश्चन है कि कौन सा स्टेट गवर्नमेंट है जिसने रिसेंटली साइंस सिटी अनाउंस किया है राजीव गांधी के नाम पे? तो ये बताइए जल्दी से कि कौन सा ऐसा गवर्नमेंट है जिसने राजीव गांधी के नाम पे किया है साइंस सिटी। यस संजय आपका आंसर सही है, सादिया का आंसर तो बिल्कुल सही है, शिवानी वेरी गुड। चंडीगढ़ कैपिटल ऑफ पंजाब भी है, हरियाणा भी है, और चंडीगढ़ एक यूनियन टेरिटरी और खुद उसका कैपिटल भी चंडीगढ़ है। और पंजाब के अभी कौन बन गए हैं गवर्नर, इनका नाम क्या है? भनवारी लाल राजपुरोहित, ठीक है, भनवारी लाल राजपुरोहित, जो कि तमिलनाडु के थे, अब ये बन गए हैं पंजाब के। हाँ बिल्कुल ठीक। अब ये देखिए महाराष्ट्र इसका आंसर है, महाराष्ट्र इसका आंसर है। इसने पिपरी चिंदवार जो कि पुणे के पास है, यहाँ पे एक साइंटिफिक एटीट्यूड बनाया है। और ये एटीट्यूड मतलब साइंटिफिक एटीट्यूड कि लोग जो हैं, स्टूडेंट जो हैं, वो साइंस की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हों, ज़्यादा उसको माने। भारत रत्न, पहले भारत रत्न राजीव गांधी के नाम पे साइंस इनोवेशन सिटी रखा गया है। कहाँ पे? ये पुणे में है, याद रखिएगा, महाराष्ट्र में। अब महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो उद्धव ठाकरे हैं। अभी तक तो गवर्नर भगवत सिंह खुशोरिया हैं। संजय गांधी नेशनल पार्क कहाँ है? राजीव गांधी और संजय गांधी दोनों भाई हैं, पता है ना, तो ऐसे भी याद रख सकते हो कि संजय गांधी नेशनल पार्क जो है महाराष्ट्र में है, तो इनके भाई जो है राजीव गांधी, उनके नाम पे साइंस सिटी रखा गया है। और ये कमलम बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, ड्रैगन फ्रूट आप देखें,
कभी कभी देखे होंगे ऐसे फोटो वगैरह में, मैंने असलियत में कभी नहीं देखा है, लेकिन हाँ फोटो में देखा है, ऐसे मंडी वगैरह जाऊंगी तो देखूंगी। तो ये जो है पिंक कलर का एक ऐसे रहता है, इस तरह से पल्प जैसा रहता है, ठीक है, और इसको काटने पे ये कीवी जैसा होता है ना कि ग्रीन में ब्लैक ब्लैक सीड, तो वैसे ही ये व्हाइट में पूरा रहता है, उसमें ब्लैक ब्लैक सीड रहता है, ड्रैगन फ्रूट। तो गुजरात और महाराष्ट्र ने इसका नाम, ड्रैगन फ्रूट का नाम बदल के रख दिया कमालम, क्योंकि यहाँ ये जो है फ्रूट, इसमें बहुत सारा कमाल छुपा हुआ है, ये बहुत सारे बीमारी को जड़ से मिटा देता है, तो इसलिए इसका नाम रख दिया गया है कमालम। मैम यूपी पुलिस कांस्टेबल की बुक कौन सी है? बेस्ट बुक इज इन अड्डा, अड्डा में बेस्ट बुक्स है, आप चेक करो उसको, ऐप पे जाओ, एकदम एक से एक कमाल बुक मिलेगा, और Y332 यूज करोगे कोड तो उस पर डिस्काउंट भी मिलेगा। अब है कि विच एरिया ऑफ महाराष्ट्र हैज बीन रिसेंटली डिजाइन एज बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट? तो ये है अम्बोली रीजन, अम्बोली रीजन को हम लोग बायोडाइवर्सिटी बना दिए हैं हेरिटेज साइट। देखो महाराष्ट्र के बारे में जितनी इंपॉर्टेंट जानकारियां मैं यहाँ दे रही हूँ, तो आप लोग सेशन को लाइक कर दीजिए, इसके बाद तुमको महाराष्ट्र के बारे में अलग से पढ़ने का जरूरत नहीं है, यहीं पे सब जानकारी मिल रहा है ना। सो एक MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम टू क्रिएट इंडिया फर्स्ट सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड, ठीक है, सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड, ये भी पिपरी छिंदवाड़ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इन पुणे डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र है, और ये जो है आपका ये राजीव गांधी साइंस वाला, ये भी सेम है, पिपरी छिंदवाड़ पुणे डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र। आप श्रद्धा बोलेगी मैम आपका प्रोनाउंसिएशन छिंदवाड़ का सही नहीं है, ऐसा है तो बता देना। अब ये बताएगी हु विल होस्ट द कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरनेशनल क्लाइमेट समिट। अब देखो यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है, लेकिन आपको पता है मैंने 1, 2, 3 जो कि आज के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो पहले करवा दिए, तो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा, है ना। तो हु विल होस्ट द कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरनेशनल क्लाइमेट समिट 2021-2020? तो ये इंडिया है, इंडिया जितना चीज होस्ट करेगा उसका नाम, अभी एग्जाम पास आ जाएगा ना, जब आपके एकदम पास जब आ जाएगा तो मैं ऐसे लिस्ट बनवा दूंगी कि इंडिया ने क्या क्या होस्ट कर रखा है इस साल जो कि आ सकता है एग्जाम में। हाँ सिंधुगढ़ डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र में, जो कि वेस्टर्न घाट्स में है, अंगोली। हाँ ठीक है श्रद्धा, मुझे तुमसे एकदम यही एक्सपेक्टेशन थी। इंडिया इज ऑल सेट टू होस्ट क्रूशियल समिट, बहुत जरूरी समिट है इंटरनेशनल क्लाइमेट समिट, इंटरनेशनल क्लाइमेट समिट, और ये टूवर्ड्स क्लीन एनर्जी देगा, ठीक है, ये है आपका क्लाइमेट समिट। अब इसके बारे में ज्यादा जानकारी का जरूरत नहीं है। तो इंटरनेशनल क्लाइमेट समिट इज अ कॉन्फ्रेंस 2021 विच विल बी होस्टेड बाई इंडिया, अंडरस्टूड गाइस? चले और अब कुछ है जानकारी, चलो देखते हैं कि फ्रेश वाटर। हाँ वेरी गुड मंजू मिश्रा, थैंक यू फॉर द जानकारी, आपने बहुत सही जानकारी दी है। और अब बताएं कि हु विल होस्ट द एनवायरनमेंट डे 2021? देखो पाकिस्तान पे अच्छा काम करता है, ऐसा नहीं है, एनवायरनमेंट डे 2021 जो है वो पाकिस्तान होस्ट करेगा, ठीक है। थीम क्या है एनवायरनमेंट डे का? ये इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। इंडिया का रैंक क्या है क्लाइमेट चेंज में? ये 10th है, 10th, ठीक है, क्लाइमेट चेंज इंडेक्स में इंडिया का रैंक है 10th। विच कंट्री हैज प्लान टू बिकम कार्बन न्यूट्रल बाय 2060? तो ये एक महान काम करने वाला देश जो है, एक तो पाकिस्तान, दूसरा चाइना, मतलब नीम पे वो बोलते करेला ऊपर नीम जड़ा वैसे ही। हाँ मराठी प्रोनाउंसिएशन थोड़ा अलग होता है, सही बात है। तो यूएन क्लाइमेट समिट जो है वो होस्ट कर रहा है COP 26, 26 देश आके मिलेगा। तो ये 2021 में यूएन क्लाइमेट समिट ये होस्ट करेगा यूके, ठीक है, समिट सब कौन होस्ट करेगा क्लियर हो गया है। और कैसा रहा श्रद्धा तुम्हारा? अभी तो फेस्टिवल चल रहा है, अभी गणेश चतुर्थी मनाया गया अब 11 दिन तक, कैसा रहा आपका? Who has flag? Who was a flag bearer of the closing ceremony for India at Tokyo Paralympics? देखो जब तक तुम्हारा एग्जाम नहीं आ जाएगा तब तक मैं बीच बीच में ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स का क्वेश्चन लाते रहूंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है। सादिया आप गैस करें, मैं बताती हूँ। सादिया जो है, सादिया मुंबई की, ठीक है, ये बताइए जल्दी से किसने क्लोजिंग सेरेमनी का फ्लैग बेयर किया था?
तो इनका नाम है अवनी लखेरा। ये इनको ब्रॉन्ज मेडल तो मिल ही गया और इंडिया फिनिश्ड। ठीक है, ये इन्होंने बस ये किया है, इतना ध्यान रखिए और क्या जानना है। अवनी लखेरा जो है वो 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में इनको मेडल मिला था, ये तो पता ही है। और पैरालंपिक्स के बारे में तो मैंने काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर रखी हैं। अब देखो कि ये कब से कब तक चला, तो 24 अगस्त से लेके 5 सितंबर तक चला था आपका पैरालंपिक गेम। ये 16th समर पैरालंपिक गेम ये टोक्यो में चला। 1960 में सबसे पहले हुआ था रोम में, और 1964 में 4 साल बाद टोक्यो में ही हुआ था, और फिर 2020 में होने वाला था टोक्यो में, जो कि 2021 में हुआ, इतना आपको पता है। बैडमिंटन और टाइक्वांडो पहली बार पैरालंपिक्स में, जो लोग दिव्यांग हैं या स्पेशली एबल्ड हैं, हम लोग से काफ़ी बेहतर है, खैर मेरे से, मैं ये मानती हूँ। तो ये जो है ये बैडमिंटन और टोक्यो ये पहली बार इंक्लूड हुआ है पैरालंपिक गेम में। ठीक है, चाइना ने फिर से टॉप कर लिया है, अब क्या ही कर सकते हैं। चाइना ने 207 मेडल जीता है, हमने 19 मेडल जीता है और चाइना ने 207 मेडल जीत लिया है। 96 गोल्ड है, 60 सिल्वर है, हिंदी में तो बता रही हूँ 51 ब्रॉन्ज है, और यूनाइटेड किंगडम ने सेकेंड रैंक मिला है इसको 124 मेडल और यूएसए को 104। तो तुम लोग को जनरली लगता है कि टोक्यो की तरह चाइना फर्स्ट और यूएसए सेकेंड, नहीं, प्लीज़ ध्यान रखिएगा, इसमें यूनाइटेड किंगडम जो है वो सेकेंड है, यूएसए थर्ड आ गया है। और दिस इज़ द फिफ्थ टाइम इन अ रो दैट चाइना हैज़ डोमिनेटेड बोथ गोल्ड एंड द ओवरऑल मेडल टैली। पूरा चाइना ने कब्जा किया हुआ है, पांचवी बार हुआ है लगातार कि पूरा गोल्ड भी चाइना जीता और टोटल मेडल भी चाइना ही जीत रहा है। ठीक है, इंडिया का क्या रैंक है आपसे ये पूछा जा सकता है, तो हम लोगों ने 24वां, डिसेंट पोजिशन, लेकिन और अच्छा करना पड़ेगा। 162 कंट्री में हम लोगों ने 24वां स्थान प्राप्त किया है, बढ़िया है, गुड परफॉर्मेंस। एटलीस्ट नॉर्मल ओलंपिक्स जो होते हैं, जो आपके टोक्यो ओलंपिक्स थे, उससे तो बहुत अच्छा है हमारा पैरालंपिक्स का प्रदर्शन, लेकिन माइल्स टू गो, माइल्स टू गो। ठीक है, और ये देखें कि इंडिया ने कितने कॉन्टिजेंट भेजे थे, कॉन्टिजेंट यानी कि कितने लोगों को भेजा था, एथलीट जो थे हमारे 54 थे। ठीक, और ये 9 में टोटल, देखिए सब गेम में पार्टिसिपेट नहीं किया इंडिया ने, 24वां स्थान जो है वो 9 गेम में ही पार्टिसिपेट करके ले लिया है, ये बात ध्यान रखिएगा। और इसके पहले हमारे पास आज तक 1968 में जब हम लोगों ने शुरू किया था खेलना, और 2016 तक हम लोग रियो पैरालंपिक जो खेले, आज तक जो है टिल टुडे वी हैव गॉट 12 मेडल्स ओनली। लेकिन 2020 में अकेले वन पैरालंपिक्स में 2020 का, जो कि 2021 में हुआ, हम लोगों ने 19 मेडल जीत लिया। तो दिस वाज अ बेस्ट परफॉर्मेंस, और कर दे कमाल वाज द इंडियन थीम सॉन्ग, जिसने डिसेबल्ड क्रिकेटर, ऐसे डिसेबल्ड नहीं लिखना चाहिए, स्पेशली एबल्ड लिखना चाहिए, संजीव सिंह, इन्होंने इसको कंपोज किया था और गाया था, कर दे कमाल। ठीक है, गोल्ड एथलीट सुमित अंटिल, इनको जैवलिन मिला, बैडमिंटन में प्रमोद भागवत को मिला, कृष्णा नागर को भी बैडमिंटन में मिला, बैडमिंटन पहली बार आया था पैरालंपिक्स में और दो दो गोल्ड हम लोगों ने जीत लिया है। शूटिंग में मनीष नरवाल को मिला और अवनी लखेरा वुमेन्स 10 मीटर एयर राइफल। ठीक है गाइस, सो जितना इंफॉर्मेशन इज इनफ, चले सिल्वर का यहाँ पे लिखा हुआ है और ब्रॉन्ज का यहाँ पे लिखा हुआ है, ये टोटल गोल्ड 5 है, सिल्वर 8 है और ब्रॉन्ज 6 है। ठीक, अब ये बताएं आप लोग, देखो गोल्ड वाला ध्यान रखना है, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में कि भाई किसको किस गेम में गोल्ड मिला है ना, तो ये बात ध्यान रखिएगा। वॉट अबाउट श्रद्धा, जैसे जैसे लेट इट राइट, ठीक है, जैसे आएगा पूरा हो जाएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही, सब बच्चे जो एकदम जानकारी पे जानकारी दे रहे, सब तेज हो गए। विच इंडियन बायोलॉजिस्ट हैज बीन गिवन बहलर टर्टल कंजर्वेशन अवार्ड। ठीक है, तो ये बताएं कि कौन से ये बायोलॉजिस्ट है जिनको बोला गया है कि बहलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार मिला है इनको। बहलर, इनका नाम बताइए आप लोग जल्दी से, तो इनका नाम है शैलेंद्र सिंह, एक इंडियन बायोलॉजिस्ट है। देखो ये सब ना डिटेल क्वेश्चन, जब एग्जाम वाले को तुम्हारा एकदम चाहिए होगा कि ये बच्चा ये आंसर ना दे सके, तो कुछ डिटेल्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो ये बहलर टर्टल कंजर्वेशन अवार्ड मिला इनको, 3 क्रिटिकली इंडेंजर्ड टर्टल कंजर्वेशन स्पीसीज को ये वापस से लाए फ्रॉम ब्रिंक टू एक्सटेंशन, यानी वो खत्म होने वाले थे, एकदम आ गए थे कॉर्नर पे, एज पे, अब खत्म।
तो यहाँ से इनको ये अच्छे से लाएं, और 29 स्पीशीज ऑफ फ्रेश वाटर टर्टल एंड टॉर्टोइस इन द कंट्री है। तो शैलेंद्र सिंह जो है तीन को बचाएं अकेले। तो इनको मिल गया है ये प्राइज, और ये एक तरह का नोबल प्राइज ऑफ टर्टल कंजर्वेशन। टर्टल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फूड चेन, बिकॉज बहुत सारा कचरा वगैरह जो ह्यूमन का काम क्या है, कचरा प्रोड्यूस करना और कचरा फैला देना पूरे पूरे देश में, पूरे अर्थ में। तो हम लोगों ने समुद्र को भी नहीं छोड़ा, चाइना वाले ने तो स्पेस को भी नहीं छोड़ा, वहां पे भी माइनिंग कर रहे हैं और वहां पे भी रोज रोज सैटेलाइट भेज भेज के वहां पे ई वेस्ट पूरा जमा हो गया है, स्पेस वेस्ट जमा हो गया है ना। हाँ, मोदक खाना है, चलिए बढ़िया, मोदक खाइए, टीचर को भी भेज दीजिए मोदक, यहाँ पे मेरे नाम से आप लोग मोदक भेज दीजिए, ठीक है, आई विल ऑल्सो ईट मोदक। तो ये है, इनके बारे में जानकारी मिल गई। अब बताएं डोमेस्टिकेटेड स्पीशीज, डोमेस्टिकेटेड स्पीशीज मतलब जो पालतू स्पीशीज होते हैं जिनको पाला जाता है, तो ये है साजी एनएम, इनको कंजर्वेशन के लिए अवार्ड मिला है। और नुकलू फोम, इनको अमूर फाल्कन, अमूर फाल्कन बर्ड है, बर्ड इनको विटले अवार्ड मिला था अमूर फाल्कन को बचाने के लिए। तो देखो ये लोग ना एक एक स्पीशीज को ऐसे टारगेट करके बचा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, जिनको मदद की जरूरत है। हाँ, पीडीएफ मिल जाएगा कमेंट सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में मुन्ना कुमार तुमको पीडीएफ मिल जाएगा, मुन्ना नाम तुम्हारा बड़ा सही है, ठीक। और इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2021 किसको मिला है, इनका नाम है डेविड डायो। और एनएसजी काउंटर ईड एंड काउंटर टेररिज्म इनोवेशन के लिए प्रोफेसर शैलेंद्र ज्ञानपुल को मिला है, ज्ञानपुले, हाँ इनका भी नाम जो है, नाम का प्रोनाउंसिएशन हर रीजन में अलग अलग हो जाता है, ज्ञानपुले ज्ञानपुल जो बोलो। अब है कि इंडिया एंड विच कंट्री हैज साइन एन एग्रीमेंट फॉर द एयर लॉन्च प्रोजेक्ट ऑफ एन अनमैन्ड एरियल व्हीकल। इंडिया ने किस कंट्री के साथ, किस देश के साथ मानव रहित, यानी कि उसमें आदमी नहीं बैठेगा, मानव से वो रहित है, धरती भी बहुत जल्दी मानव रहित हो जाएगी, ऐसा मेरा मानना है, आई एम अ एनवायरमेंटलिस्ट। तो ही एयर लॉन्च परियोजना के लिए समझौता किया है, ये कौन सा देश है, ये देश है अमेरिका, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, डिफेंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द यूएसए डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने शुरू किया है ये एयर लॉन्च व्हीकल, अनमैन्ड है ये, इसको ध्यान रखिएगा प्लीज। बाकी जानकारी जैसे जैसे आएगी, अपडेट होगी, आपको दे दी जाएगी। वज्र प्रहार करते हैं हम लोग, ये डिफेंस एक्सरसाइज है, ये हम लोग इंडिया अमेरिका करता है। और फिर इंदिरा जल, ये एक ड्रोन है डिफेंस सिस्टम का, इसका नाम क्या है, इंदिरा जल, इसके बारे में मैंने काफ़ी बार आप लोगों को बताया डिटेल में। और हिरॉन ड्रोन कौन लाया था टू मॉनिटर चाइना बॉर्डर, ये इजराइल लाया था, ठीक है। तो हम लोग अपने बॉर्डर पे इजराइल द्वारा भेजे गए हिरॉन ड्रोन से चाइना बॉर्डर को सर्वेलेंस करते थे, क्लियर। सिम्बेक्स है, सिम्बेक्स नाम से ही पता चल रहा है, ये इंडिया और किस कंट्री के बीच में गए, टेल मी दिस इन द कमेंट सेक्शन। हरियाणा, आंसर जल्दी जल्दी नहीं दे रहे आप लोग, थोड़ा स्पीड में, ऐसे नहीं कि आंसर फटाफट आते जाए, दो तीन बच्चे आंसर दे रहे हैं, बाकी तो बस सो रहे हैं, सुबह में अभी नींद ही नहीं खुल रहा है। नागालैंड के लिए निकली है फोन, ठीक है। तो ये सिंगापुर है, इंडिया एंड सिंगापुर, इसने मेगा वॉर गेम ये ना वॉर एक्सरसाइज है, तो अभी वॉर तो कर नहीं रहे, एक्सरसाइज है। और इसमें हम लोगों का कौन सा डिस्ट्रॉयर गया है, तो गाइडेड मिसाइल INS रणविजय, एंटी सबमरीन वॉरफेयर INS किल्दन और INS कोड़ा, ये P8I लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट फॉर सिम्बेक्स एक्सरसाइज ये गया है। 2 से 3 सितंबर का न्यूज है ये, 2 से 4 सितंबर का, तो ये सब गया है, इसको याद रखेगा, रणविजय को याद रखेगा, ठीक है, क्योंकि ये गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। किल्तन भी है, किल्तन, ठीक है, किल्तन कोड़ा हो गया और P8I लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट है। इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे, किसके साथ हम लोग कर रहे हैं यार, नाम से पता चल रहा है, सिंगापुर, इंडिया, मैरीटाइम एक्सरसाइज, सिम्बेक्स, ठीक है।
और एक कुवेरियन किसके साथ करते हैं, मालदीव के साथ करते हैं, आजकल लोग मालदीव बहुत जा रहे हैं घूमने के लिए। अल नागा किसके साथ करते हैं, ओमान के साथ करते हैं। धर्म गार्जियन जापान, इंडिया एंड जापान। और खंजर, खंजर करते हैं लोग इंडिया और किर्गिस्तान के साथ, ठीक है। इतना याद रहेगा, अल नागा ओमान, इक्वेरियन मालदीव, धर्म गार्जियन। ये धर्म वाला काम कौन करता है, सबसे बड़ा देश जो धर्म मतलब होता है ना कि काफी आइडियोलॉजी इनका रहता है। एक फुटबॉल का मैच हुआ था जिसमें जापान हार गया, लेकिन तो भी जापान को याद रखा गया क्योंकि लोग जब जीत के खुशी में ऐसे बॉटल और कचरा फेंक रहे थे, तो जापान के सारे प्लेयर ने पहले वो पूरा ग्राउंड साफ किया और उसके बाद वो लोग एग्जिस्ट किए। जो लोग जीते थे वो टीम और उनके सपोर्टर्स, स्पेक्टेटर्स, ये सब कचरा वचरा फेंक के वो लोग एग्जिट कर गए, लेकिन जापान के प्लेयर वहाँ रुके और उसके बाद सब साफ किए और फिर वापस आए। तो आई लाइक जापान इन दीज आइडियोलॉजिकल थिंग्स, जापान इज ग्रेट। तो हम लोग उनके साथ क्या करते हैं, धर्म गार्जियन, याद रहेगा इससे आपको, ये इतना महान महान काम करने वाला देश के साथ हम लोग धर्म गार्जियन करते हैं। हाँ, और फिर ये बताएं कि हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एशिया, एशियन स्क्वाश फेडरेशन, स्क्वाश स्क्वाश फेडरेशन करते हैं हम लोग किसके साथ, मतलब किसके साथ नहीं, वाइस प्रेसिडेंट कौन है इसके, ये अभी अभी अपॉइंट हुए स्क्वाश फेडरेशन के, तो ये साइरस पोनचाइन का नाम है, ठीक है। आपका आपको आवाज से डिस्टर्बेंस हो रही होगी तो प्लीज बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, आई डू समथिंग फॉर दिस। तो जनरल सेक्रेटरी ऑफ, एक्चुअली अ ड्रिलिंग वर्क इज गोइंग ऑन। स्क्वैश, स्क्वैश देखते हैं आप लोग लॉन टेनिस की तरह रहता है, लेकिन सामने जो एक दीवार रहता है देखने में बड़ा अच्छा लगता है, मुझे दो गेम देखने में अच्छा लगता है, स्क्वैश और एक और है फेंसिंग, फेंसिंग भी बड़ा स्मार्ट लगता है। तो इनको बनाया गया है, अब देखिए एशियन स्क्वैश फेडरेशन हेडक्वार्टर जो है वो कुआलालंपुर मलेशिया में है, जनरल सेक्रेटरी ऑफ एशियन स्क्वैश फेडरेशन जो है वो दुकन चियो है, दुकन चियो, देखो इसका इनका नाम यहाँ पे भी लिखा होगा, नहीं लिखा हुआ है कोई बात नहीं। और स्क्वैश फेडरेशन कब स्टैब्लिश हुआ, 1980 में हुआ, हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन हॉकी एसोसिएशन जो है और मेन हॉकी में अभी हम लोग को ब्रॉन्ज मेडल भी मिला है ओलंपिक्स में, तो ये नरेंद्र बत्रा है। और बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ये तो मैंने बताया है हिमंत विश्वास। चलिए, वॉट विच इज द फर्स्ट एशियन कंट्री टू लॉन्च प्लास्टिक एग्रीमेंट, प्लास्टिक एग्रीमेंट लॉन्च करने वाला पहला एशियाई देश कौन सा है, इसको बताओ जल्दी से कमेंट सेक्शन में। मैम ज्योग्राफी कहाँ से स्टार्ट करूँगा, पढ़ाई नहीं कुछ। सुनो श्रद्धा, तुम पहले 9th और 10th में ज्योग्राफी का एनसीईआरटी पढ़ो, ठीक है, मुझे नहीं लगता तुमको 8th का जरूरत है, तुम पहले 9th और 10th पढ़ो। जहाँ पे भी श्रद्धा अगर कोई भी डाउट होगा प्लीज आप मेरे से कॉन्टैक्ट करें, ठीक है, और कॉन्टैक्ट करके जरूर से जरूर, रजत यू गिव हर द लिंक, ओके, यू टेल हर वेयर टू कॉन्टैक्ट, यहाँ पे रजत को पता है, आप मेरे से कॉन्टैक्ट करें। और जहाँ पे भी डाउट है ज्योग्राफी में, थोड़ा सा भी डाउट है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, यू टेल मी, ओके, माई ऑप्शनल इज ऑल्सो ज्योग्राफी, आई विल हेल्प यू थ्रू आउट। रजत यू टेल श्रद्धा फ्रॉम, या बाकी बच्चों को भी बताओ कि कहाँ पे कॉन्टैक्ट करना है मेरे से डायरेक्टली। तो ये है फर्स्ट एशियन कंट्री टू लॉन्च प्लास्टिक एग्रीमेंट, ये है इंडिया, ठीक है, इंडिया ने पहला है ये जो प्लास्टिक एग्रीमेंट इसने शुरू किया है, और ये 3 सितंबर का न्यूज है, इसको ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक। अबाउट प्लास्टिक, इंडिया प्लास्टिक पैक, तो यहाँ पे ये सब एग्रीमेंट है कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग एक सर्कुलर इकोनॉमी फॉर प्लास्टिक 2030 तक चलाएंगे, और ये सब एनजीओ और ये सब ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडिया को हेल्प करेगा, सीआईआई भी हेल्प कर रहा है, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट, बस इतना ध्यान है वो तुमसे पूछा जाएगा भाई प्लास्टिक पैक किसने शुरू किया है, प्लास्टिक एग्रीमेंट शुरू किसने किया है, तो ये इंडिया ने शुरू किया है। वॉइस का कुछ भी इशू होगा तो प्लीज़ स्लो पढ़ाऊँ, ठीक है, स्लो पढ़ा लूँगी, कपिल मैं जल्दी बोलती हूँ, ठीक है, मैं धीरे धीरे पढ़ाऊँगी, ठीक है, आराम आराम से, और आवाज़ से अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और मैं पकड़ के उसको मना नहीं कर सकती हूँ, क्या करूँ। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या स्लो स्पीड स्लो करना पड़ेगा, मैं तो ऐसे बहुत स्पीड में जा रही हूँ। हाँ, तो अकॉर्डिंग टू हुरॉन इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न लिस्ट, ठीक है, यूनिकॉर्न क्या होता है, यूनिकॉर्न देखो
जो नया नया स्टार्टअप होता है ना, नया नया लोग जो कि बिजनेस शुरू करेगा, नए नए एंटरप्रेन्योर आते हैं, तो उनको हम लोग यूनिकॉर्न कह रहे हैं बिजनेस के लैंग्वेज में। उनको कौन सा जानवर कहा जा रहा है? यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न वो घोड़ा होता है जिसके पास एक सींग होता है और विंग्स भी होते हैं, वो फ्लाई करता है। ये एक फिक्शियस एनिमल है, ऐसा खोजने मत निकल जाना। तो ये हुरॉन रिसर्च इंस्टीट्यूट ने शुरू किया है, और किस कंट्री को तीसरे स्थान पर रखा है? तो इंडिया को रखा है, ठीक है। पहले स्थान पर चाइना, पहले स्थान पर अमेरिका है, यूएसए, उसके बाद चाइना, और उसके बाद इंडिया को रखा गया है कि यहाँ पे आप इतना अच्छा बना रहे हैं कि नए नए स्टार्टअप इकोसिस्टम दुनिया में कोशिश कर रहे हैं आप कि अच्छा बन रहा है। और सबसे टॉप पे स्टार्टअप किसको रखा गया इंडिया में? इसका नाम है ज़िलिंगो। ज़िलिंगो जिसका हेडक्वार्टर है सिंगापुर में। आप तुम बोलोगे मैम इंडिया का कंपनी है सिंगापुर में हेडक्वार्टर क्यों है? तो मैं बोलूँगी आपको कि इंडिया का कंपनी है लेकिन सिंगापुर में हेडक्वार्टर इसीलिए है क्योंकि सिंगापुर में टैक्स कम लगता है। तो यहाँ के भी बहुत सारे जो कंपनी हैं वो अपना हेडक्वार्टर टैक्स हेवन कंट्रीज में बनाते हैं जहाँ पर टैक्स कम लगता है, ठीक है। मैम फ्रॉम विच बुक वी शुड स्टार्ट रीडिंग? बेसिक्स के लिए तुम पहले 9th और 10th का एनसीईआरटी पढ़ो, ठीक है। 9th और 10th का एनसीईआरटी पढ़ो। जब तुम्हारा 9th का एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगा तो तुम समझना तुमको 11th का कुछ चीज़ समझ में आएगा, और जब 10th का कंप्लीट हो जाएगा तो 12th का समझ में आएगा। माई सजेशन इज पहले 9th, फिर 10th, फिर 11th, फिर 12th। प्रॉब्लम तुमको आएगा जब तुम फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ोगे 11th का। इसमें जो भी बच्चा अच्छा भी होगा, मतलब जिसकी ज्योग्राफी अच्छी भी होगी, उसको प्रॉब्लम आना ही है। तो उसके लिए मैंने आपको बता दिया है कहाँ पे डिटेल कॉन्टैक्ट करना है मेरे को, ठीक है। तो प्लीज़ आप वहाँ पे आके मेरे से ज्योग्राफी या हिस्ट्री या पॉलिटी कोई भी आप किताब पढ़ रहे हैं साइंस में भी, तो आप वहाँ पे आके मेरे से डाउट पूछ सकते हैं। टेक्निकल मत पूछने लगना, सिविल इंजीनियर और मैकेनिकल ये सब नहीं, ठीक है। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जो आपका जीएस जीके का पोर्शन है वो सब आप पूछ सकते हैं, और बेसिक जो साइंस का है जैसे कि हल्का फुल्का केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये सब। तो इसके लिए जीएस के लिए, जीके के लिए, करंट अफेयर्स के लिए यू कैन टेक माय हेल्प, ठीक। अब इंडिया का फायर पावर इंडेक्स में रैंक है 4th, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में बहुत खराब रैंक है 120। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या होता है कि हम लोग जो रिसोर्सेज है उसको इस्तेमाल इतने सही तरीके से करेंगे कि हम लोग फ्यूचर के लिए भी बचा के रखें। और हमारा बेस्ट स्टेट जो है केरला है, जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में ये टॉप है। अब ये बेस्ट स्टेट तो है, पढ़ाई लिखाई में सबसे अच्छा है, लेकिन काफ़ी इश्यूज भी है। जैसे कल न्यूज़ में आ रहा था कि एक तो निपा वायरस यहाँ आ गया है, ऊपर से कोरोना फिर से आ गया है, लव जिहाद वाला केस भी यहीं पर होता है, इलेक्शन आ रहा है, और फिर जितने ये टेररिस्ट संगठन है, यहाँ तक कि ISIS, फिर अभी तालिबान, ये सब में भी केरला की औरतें जो हैं वहाँ पे जबरन वहाँ भेजी गई और उनको वहाँ पार्टिसिपेट करने के लिए ऐसा बोला गया है, उनको फोर्स किया जाता है कि नहीं आपको यहीं पे रहना है, ठीक है। तो ये केरला में काफ़ी इश्यूज भी है। और जब भी UAE वगैरह में कुछ तस्करी होता है या फिर पता चलता है कि गलती से लोग आ गए यहाँ पे, तो वहाँ पे केरला से नर्सेज भी बहुत ज़्यादा जाती हैं, लेकिन तो भी लिटरेसी रेट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में केरला नॉर्दर्न स्टेट से तो भाई जनरेशन आ गया। अब है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। हमारा करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में रैंक 86, और हंगर में बहुत भूखमरी है यहाँ पे 94 रैंक है। अब इसका आंसर बताओ जल्दी से कमेंट सेक्शन में। कुछ क्वेश्चंस जो है आपको रिवीजन क्वेश्चंस दिख रहे होंगे कि मैंने ये क्वेश्चंस पहले भी डाले हैं, फिर से डाल रही हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे, है ना। हाँ हिमांशु पंडित, राम राम, 17 गोल्स है, वेरी गुड, यस। नो बट माई मास्टर्स इज इन साइंस, ठीक है। आप बताएं कि कौन सा यूनिवर्सिटी है THE टाइम्स हायर एजुकेशन जिसने टॉप किया है, मतलब ये रिलीज किया है टाइम्स पेपर पढ़ते हैं ना, टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स मैगजीन, तो ये जो है कागज रिलीज किया है, ये बोला कि भाई ये सब यूनिवर्सिटी जो है टॉप पे, तो इंडिया का तो होना असंभव है उसमें। तो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड है। हम लोग को गलती से एक रैंक मिल गया 350 के आसपास। इसमें है IISc बेंगलुरु, है ना। आवाज़ क्लियर होगा ना आप लोग को? अगर कोई डिस्टर्बेंस होगा प्लीज़ टेल मी, आई विल डू समथिंग फॉर दिस। तो ये IISc बेंगलुरु है, और इसको इसका रैंक आया, और टॉप पे जो है ये है ऑक्सफोर्ड,
सेकंड पे जो है कैलिफोर्निया है और थर्ड पे हार्वर्ड। आप लोग भी पढ़ लिख के जाएं, बड़ा बड़ा देश में, बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूट में पढ़िए, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में। ग्लोबल टीचर अवार्ड, देखो पढ़ाई लिखाई से संबंधित है तो रंजीत सिंह दिसाले को मिला था, प्लीज याद रखिएगा इनको बहुत, मतलब ये विमेन गर्ल्स एजुकेशन के लिए काफी काम किए हैं। और किस चीज में काम किए हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक, आजकल पढ़ाई जो इलेक्ट्रॉनिक्स, आप लोग इलेक्ट्रॉनिक्स से पढ़ रहे हैं, उसके लिए फिक्की बोला है कि यूनिवर्सिटी ऑफ ईयर, फिक्की जो है इंडिया ही का, इसीलिए भुवनेश्वर बोला है, आईआईटी भुवनेश्वर है, और बाहर का होता तो फिर नहीं बोलता। फेडरेशन ऑफ कॉमर्स, ये जो है ये इंडिया से ही है, ठीक है। और ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ द वर्ड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को मिला है, इसलिए ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर, हिंदी जो है वो आत्मनिर्भर है, समझ लो, मतलब ऑक्सफोर्ड दो वर्ड लाता है, एक इंग्लिश एक हिंदी, हर लैंग्वेज में लाता है, लेकिन हिंदी में जो वर्ड ऑफ द ईयर है वो आत्मनिर्भर है, सेल्फ सफिशिएंट, सेल्फ डिपेंडेंट। हाँ, हम लोग किस पे निर्भर करेंगे, आत्मनिर्भर बनेंगे। ऐसे बीच में जोक भी आया था, है ना, कि गर्ल्स वर टेलिंग बॉयज की मेरा रिचार्ज कर दीजिए, तो लड़के बोले कि भाई आत्मनिर्भर बनो। हाँ, अब बताएं कि फ्रीडम फाइटर हीरा लाल शर्मा, इनका निधन हो गया, ठीक है। ये फ्रीडम फाइटर थे, राजस्थान के थे, राजस्थान के कौन से डिस्ट्रिक्ट के थे हीरा लाल शर्मा, जिनका निधन हो गया। पीडीएफ गाइस कमेंट सेक्शन में, सेशन खत्म हो जाएगा फिर तुम कहीं घूम फिर के वापस से मेरे इसी वीडियो पे आना, तो तुमको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। मैं कोशिश कर रही हूँ कि सारे लोग को एक प्लेटफॉर्म पे जोड़ लूँ, जिसका नाम आप लोग समझ ही गए होंगे, यूट्यूब नहीं, इंस्टा नहीं, फेसबुक नहीं, व्हाट्सएप नहीं, स्नैपचैट भी नहीं, बाकी जो बचा उस पे जोड़ लूँ और फिर वहाँ पे पीडीएफ देना स्टार्ट कर दूँ, ऐसा मेरा प्लान है, लेकिन देखते हैं क्या होता है, कब आप लोग सबको जुड़ पाएंगे। ये है बीकानेर, बीकानेर जो है यहाँ पे हीरा लाल शर्मा जो है इनका निधन हो गया, बीकानेर में राजस्थान में इनका निधन हुआ है, और ये 95 इयर्स के थे। एक जगह जोड़ने से क्या होगा ना कि आप लोगों को वेट नहीं करना पड़ेगा, जैसे सेशन शुरू होगा, हाँ बिल्कुल स्टेटस क्वीन आप सही समझे, तो जैसे सेशन शुरू होगा मैं आपको सीधे वहाँ के माध्यम से पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगी, और जो भी बीच बीच में क्या होता है कि कुछ कुछ न्यूज़ कवर नहीं हो पाता है, तो वो न्यूज़ का भी मैं नोट्स वगैरह बना के वहाँ पे कवर कर दूंगी। मैम इंडियन पॉपुलेशन हैज डिफरेंट माइंडसेट अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम, बट इफ यू सी द डेवलपमेंट कंट्रीज फ्रॉम देयर माइंडसेट, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नेशनल सिक्योरिटी इज सेम, ठीक है ठीक है। ये तो होता ही है ना यार कि हर किसी के लाइफ में हर अलग अलग प्रॉब्लम है, तो इंडिया इतना बड़ा कंट्री है, इसके पास अलग प्रॉब्लम है, बाकी लोगों के पास अलग प्रॉब्लम है, तो इसीलिए इसको जज नहीं किया जा सकता है। अब 28 साइकिल ऑफ इंडो थाई कॉर्पैट, कॉर्पैट देखो बहुत सारे देश के साथ होता है, तो ध्यान रखना कि किस कंट्री का बात हो रहा है, यहाँ पे थाईलैंड का बात हो रहा है, ये हुआ है बैंकॉक में, बैंकॉक में हुआ है, और इंडिया और थाईलैंड के बीच, थाईलैंड का कैपिटल है बैंकॉक, 5 से 15 में ये होगा, बायलेटरल मेरी टाइम एक्सरसाइज है, और ये यूनिक्लॉस यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सीज ने करवाया है, इसको ध्यान रखिएगा। अब्दुल कादर, इनका निधन हो गया है, ये है लेग स्पिनर, स्पिनर एक होते हैं पेसर, एक होते हैं स्पिनर, ऐसा स्पिन करते हैं ना, आई प्ले यॉर्कर, आई एम अ बैड यॉर्कर, ठीक। तो ये इनका निधन हो गया है, पास अवे हो गए हैं ये। ये है पाकिस्तान के, 63 साल के थे, ये मास्टर लेग स्पिनर थे, लाहौर में इनका निधन हुआ है। इन्होंने 67 टेस्ट, 104 ओडीआई और टोटल 368 गेम खेला है, ठीक। अगला सवाल है कि बुनियादी ढांचे के लिए परियोजना पाइपलाइन तैयार करने वाली टास्क फोर्स का प्रमुख कौन है, हु इज द हेड ऑफ द टास्क फोर्स टू ड्रॉ प्रोजेक्ट लाइन फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, इनका नाम बताइए आप लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में, हु इज द, ये पाइपलाइन बिछाएंगे, पाइपलाइन का इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे, तो कौन है ये मास्टर सोच वाले आदमी। अच्छा एक बात आप लोगों को बताए, नेहरू जी ने कहा था कि भारत देश का मंदिर कौन है, किस चीज को, किस स्ट्रक्चर को भारत देश के मंदिरों के साथ कंपेयर किया था, तो यहाँ के डैम्स को, यहाँ के डैम्स को नेहरू जी ने कहा था कि ये भारत देश का मंदिर, मंदिरों से कंपेयर किया गया था डैम्स को। तो देखिए ये जो है राजीव कुमार है, ये टास्क फोर्स किस चीज के लिए, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के लिए ये टास्क फोर्स का गठन हुआ है, इसके हेड जो है राजीव कुमार है,
ठीक है, इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी है, तो IAS IRS ही होंगे, यूपीएससी क्रॉस किया हुआ इन्होंने। तो अब है कि विच कंट्री हैज बीन डिक्लेयर्ड फ्री फ्रॉम एवियन इन्फ्लुएंजा। एवियन मतलब चिड़िया होती है, बर्ड उड़ जाएगी, तो एवियन इन्फ्लुएंजा H5N1 से अपने आप को डिक्लेयर फ्री, ये कम्प्लीटली फ्री हो गए हैं, इस ये बीमारी अब इस देश को छू भी नहीं सकती है। तो ये करने वाला कौन सा देश है ये बताओ जल्दी से कमेंट सेक्शन में प्लीज कमेंट। और गाइज आप लोग प्लीज सेशन को थोड़ा लाइक कर दो, शेयर भी कर दो। और देखो अभी गणेश चतुर्थी चल रहा है, बहुत अच्छा मौका है लाइफ में कुछ नया शुरू करने का, तो आप एक कोर्स में एनरोल हो जाएं, जिस भी चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं, आप इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं तो इंजीनियरिंग के, डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं, SSC बैंकिंग किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, आपको कोर्स मिल जाएगा। आपको भी पता है आपके लिए बेस्ट कोर्स कौन सा है, वहाँ पे प्राइम है, ऐसा नहीं है कि तुमको इस चीज़ की कर रहे हो तो सिर्फ इसी का कोर्स मिलेगा, वो अपडेट होते रहेगा। मान लीजिए डिफेंस का कर रहे हैं, CFPF में एनरोल हो गए तो वो CDS के लिए भी अपडेट होते रहेगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसी में रहेगा। तो Y332 कोड है, 77% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आप पहले से ऐप यूज़ कर रहे हैं तो आपने कुछ कॉइन्स कलेक्ट किया होगा, अड्डा का ऐप यूज़ कर रहे हैं, कॉइन्स कलेक्ट किया होगा, इसमें आपको बेटर और डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आप टेस्ट सीरीज में इनरोल होना चाहते हैं तो मेरा तो सजेशन है कि 100-200 का टेस्ट सीरीज है मैक्सिमम, 82% तक का डिस्काउंट है यहाँ पे Y332। इसके लिए कौन सा कोड यूज़ करना है, Y332, Y बनाने नहीं आता मुझे, Y332 कोड है, और यहाँ पे आपको 82% तक का डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, टेस्ट सीरीज में आप ज़रूर से आ जाएं, ठीक है। शिवानी वेट आई एम ट्राइंग टू गिव यू द लिंक, यस गाइज यू आर कमिंग ओवर हेयर आई कैन सी। सो टेस्ट सीरीज में ज़रूर से आप इनरोल हो जाए और आंसर बताएं, ठीक है, आंसर जल्दी से बताएं। और हाँ बाकी लोग मैम पेपर के टाइम मैं डर क्यों लगता है, देखो शिवानी एक बार तुम देख लो तो कमेंट सेक्शन, कमेंट सेक्शन ये जिशान के कमेंट के बाद, सादिया के कमेंट के बाद कमेंट सेक्शन देखें और उस पे चले जाएं, जल्दी देख लें फिर वो रिमूव हो जाए। पेपर के टाइम डर इसलिए लगता है क्योंकि एड्रेनालाइन सिक्रीट होता है, तो आपका एंजाइटी और हाथ में पसीना, डर, टेंशन, ये सब जो है व्हेन यू गो टू प्रपोज समवन देन आल्सो यू गेट द सेम फीलिंग, तो वैसा ही है। लेकिन अगर आप बार बार टेस्ट देंगे, देखो डर से बचने का एक ही तरीका है, बार बार अगर तुम टेस्ट दोगे ना, मैं तो हर टाइम यही कहती हूँ कि 10 से 12 एवरेज हर एग्जाम 10 से 12 होता है ना, 10 बजे सुबह से लेकर 12 बजे दिन तक होता है हर एग्जाम। तो तुम लोग अपना ऐसा हैबिट डालो कि सुबह उठे, पढ़ाई कर लिया, ठीक है सब कुछ कर लिया, इस समय बैठ के टेस्ट कोर्स ले लो, एक अड्डा से टेस्ट कोर्स ले लो, यहाँ पे हजारों 10,000 टेस्ट मिल जाएंगे तुमको जिस भी चीज़ का तुम तैयारी कर रहे हो। और बैठ के तुम क्या करो, हर 2 घंटे इस टाइम लाइफ में कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, तुम 10 से 12 क्या कर रहे हो, तुम टेस्ट दे रहे हो, ठीक है। उसके बाद इसी तरह रोज तुम टेस्ट देते जाओ देते जाओ, पहला तुम्हारा मार्क्स 30% आएगा, फिर तुम उसको एनालाइज करोगे मैंने कहाँ गलती की है। अगर तुमको एनालाइज करने में कम ज़्यादा टाइम लगता है तो तुम ऑल्टरनेट डेज में टेस्ट दो, ठीक है, MWF में टेस्ट दो, इस तरह से फिर एनालाइज करो तो लगेगा कि अच्छा देखो मेरा ना सिविल इंजीनियरिंग का पेपर में हाइड्रोलिक्स अच्छा नहीं है, मेरा मैकेनिकल्स में रोटेशन मोशन अच्छा नहीं है, मेरा इलेक्ट्रिकल में लॉजिक गेट अच्छा नहीं है। तो ये सब करके आप अपने आप को एनालाइज करें, पढ़ें उसको वापस से और फिर से टेस्ट दें, ठीक है, और फिर आपका धीरे धीरे स्कोर बढ़ेगा। एग्जाम आते आते तक आप टेस्ट में 80% तक स्कोर आप इजिली करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, लगेगा एग्जाम क्या है, एक तरह का टेस्ट ही है, तो मैं जाके फिर से वहां पे स्कोर कर दूंगा, ठीक है। क्यों नहीं करवाता है यार, बिल्कुल पूरा कराता है, ठीक है, हाँ बिल्कुल पूरा कराता है। सी आई हैव गिवन यू द लिंक, यू गो एंड चेक, ठीक है। हाँ तो ये इंडिया है गाइज, इंडिया है, एवियन और इन्फ्लुएंजा से हम लोग फ्री हो गए हैं, अब हम लोग को कोई भी बत्तख, मुर्गी, टर्की, चिकन कुछ भी नहीं कर सकती, वी आर फ्री। जितना चिकन खाना है खाइए, जितना एग खाना है खाइए, गणेश चतुर्थी लिखने दीजिए उसके बाद, ठीक। फिर है कि रिसेंटली इंडिया एंड विच कंट्री हैज कंडक्टेड मेरी टाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज, तो ये बताइए जल्दी से कि इंडिया और कौन सा कंट्री जो है वो मेरी टाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज किया है।
समझे आप कि कैसे आपको एग्जाम को टैकल करना है। रोज टेस्ट देने का आदत डालो कि मेरा आदत है, मुझे 10 से 12 टेस्ट देने का आदत है। एग्जाम में भी लगेगा कि क्या है, ये तो आदत बनी हुई है। लेकिन बीच में एक होमवर्क भी करना होता है, एनालाइज करना होता है, खुद को समझना होता है कि मेरा जो है कौन सा पोर्शन गलत है, कौन सा पोर्शन अच्छा नहीं है, ज्योग्राफी अच्छा नहीं है, हिस्ट्री में मेहनत करना है, एंशियंट थोड़ा सा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। ये सब आपको अपने आप में चेक करना पड़ेगा और कोशिश करना होगा कि हर टेस्ट, हर वीक में अपने पूरा चार्ट बना लो, पेज चिपका लो दीवार पे, ठीक है, और अपने आप का लिखो कि आज मैंने 20 में, छोटा टेस्ट भी दे सकते हैं, 20 में 18 नंबर लाया है, कल 20 में 20 आ गया। इसी तरह से आप अपना रिपोर्ट कार्ड खुद बनाएं, खुद में खुद का काम करें। तो ये बिल्कुल मेरी टाइम कंडक्ट करने वाला अल्जीरिया है, ये मैंने बताया है INS तबर जो है, और INS तबर कर रहा है इसको मेडिटेरियन सी में हो रहा है। मेडिटेरियन सी जो है अफ्रीका के नॉर्थ में है, नॉर्थ में, राइट गाइस, वॉइस इज क्लियर ना, एकदम ड्रिल चल रहा है एकदम सिर पे। अल्जीरिया का कैपिटल अल्जीयरस है, एक अल्जेरियन दिनार है इसका करेंसी, और प्रेसिडेंट जो है अब्दुल माजिद तेबान है, गल्फ ऑफ एडन जर्मनी में हुआ है, और INS तबर जो है वो इटली के साथ भी पार्टिसिपेट किया और अल्जीरिया के साथ भी पार्टिसिपेट किया। तो INS तबर का नाम याद रखेंगे आप लोग। हाँ क्या हुआ मैम, मैं ब्रिटेन में तो है इंग्लिश चैनल, हाँ इंग्लिश चैनल, इंग्लिश चैनल जो है वो फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में, ठीक है। अब बताएं कि विच साउथ अफ्रीकन प्लेयर हैज रिसेंटली अनाउंस रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्म। शादिया, सादिया, आई हैव गिवन यू द लिंक, चेक करो, चेक करो। अब ये डेल स्टेन, डेल स्टेन जो है वो सब चीज से संन्यास ले चुके हैं। फिर बताएं कि 21 सेंचुरी का बेस्ट बैट्समैन जो है, मैम सरप्राइज दे हो गए, संजय तुम भी यहाँ पे कनेक्ट हो जाओ, तुमको भी चाहिए होता है ना हमेशा PDF, तो तुम कनेक्ट हो जाओ। आई विल ट्राई कि सब बच्चे जब जैसे ही कनेक्ट हो जाते हैं, मैं जैसे सेशन खत्म होता है या सेशन शुरू होने के पहले भी मैं PDF प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, तो ये झंझट ही खत्म जाएगा। अब है ये बैट्समैन सचिन है, बॉलर है मुथैया मुरलीधरन श्रीलंका के, बड़ा मजा आता था जब ये रहते थे। इंजीनियर संजय जो है, मैं आपका स्क्रीन शॉट ले रही हूँ, ठीक है, मैं सपोर्ट सिस्टम से आज बात करती हूँ, ठीक, आई विल टॉक। तुम एक काम करो तो संजय, एक थोड़ा लंबा सा मैसेज करो तो कि तुमको एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है, मैं उसका स्क्रीनशॉट लेके मैं आज ही बात कर रही हूँ, और आज ही क्या, अभी जस्ट आफ्टर द क्लास। और अगर हो सके तो प्लीज एक काम करो, अपना जो तुम्हारा मेल आईडी है ना जिससे तुम कर रहे हो ये मैसेज, वो भी लिख दो उसमें साथ में। आई विल कॉन्टैक्ट टूडे ओनली, आई विल डू समथिंग, ओके, डोंट वरी, आई विल डू समथिंग। अब ये है कि शेख अल हसन ये है आपके प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर जुलाई, और फीमेल में स्टीफन टेलर ये बनी है आपकी मंथ, फीमेल मंथ में जो है जुलाई में इनको मिला है अवार्ड। समझ गए संजय जी आपको क्या करना है, आप करिए ये काम और मैं आज ही बात करती हूँ। देखो तुम लोगों को कोई भी इशू हो, इफ आई एम इन द कोर्स और आई एम नॉट इन द कोर्स, यू कैन कम इन कॉन्टैक्ट टू मी। अब ये बेस्ट क्रिकेटर फॉर द डिकेड जो है वो महेंद्र सिंह धोनी है, यशपाल शर्मा इंडियन क्रिकेटर है जिनका निधन हो गया है। सेशन को लाइक किया है सब बच्चों ने, सेशन को लाइक करना होता है, शेयर तो करते नहीं आप लोग, लाइक तो करो। कोकोनट डे कब मनाया जाता है, 2 सितंबर को मनाया जाता है कोकोनट डे, नारियल दिवस बहुत जरूरी है इसीलिए मनाया जाता है। कौन मनाता है इसको, एशियन पैसिफिक कोकोनट कम्युनिटी APCC, ठीक। वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे 1 मार्च को मनाया जाता है, वर्ल्ड होम्योपैथी डे 10 अप्रैल को मनाया जाता है, वर्ल्ड ट्राइबल डे 9 अगस्त को मनाया जाता है, वर्ल्ड लिटरेसी डे 8 सितंबर को, इस दिन अड्डा बहुत बड़ा ऑफर दिया था आपको, वर्ल्ड पोस्ट डे मनाया जाता है 9 अक्टूबर को, ठीक। अब बताएं कि हु हैज बीन चूजन एज द एडिडास फॉर इट्स स्टे इन प्ले कैंपेन, मतलब ये एडिडास अपना लोगो प्रोवाइड प्रमोट करने के लिए स्टे इन प्ले कैंपेन शुरू किया है, इसमें रखा है मीराबाई चानू को, मीराबाई चानू को जिनको सिल्वर मेडल मिला है इस बार, स्टे इन प्ले कौन रखा है, एडिडास, ओके एडिडास, जूता ट्रैक सूट शूज ये सब आप लोग पहनते हैं, ठीक है, यस
और गाइस एडिडास का फाउंडर जो है एडोल्फ डेसलर है, फाउंडेशन डे जो है 18 अगस्त को मनाया जाता है, फिर ये जर्मनी में इसका हेडक्वार्टर है, सीईओ है कैस्पर, ये सब याद नहीं करना है ठीक है। और फिर छत्तीसगढ़ में वर्नी अवार्ड द्युति चंद को मिला है, ये याद करना है। और असम के जो अपॉइंट किया, असम ने किसको डीएसपी अपॉइंट किया, हिमा दास को किया है, और मीराबाई चानू को मणिपुर ने एएसपी अपॉइंट किया है ठीक। ये है आपका सवाल जिसमें थोड़ा चेंज है कि पहले ये तमिलनाडु के थे, एडिशनल चार्ज इनके पास कौन से स्टेट का था, पंजाब का था, अब सिर्फ पंजाब के ही है बनवारी लाल पुरोहित जी गवर्नर। तो पंजाब के गवर्नर कौन है, बनवारी लाल पुरोहित ठीक। आप लोग प्लीज कमेंट सेक्शन देखें, आपको मिल जाएगा जवाब, कमेंट सेक्शन देखो गाइस, कमेंट सेक्शन। हाँ, और चीफ मिनिस्टर कौन है, कैप्टन अमरेंद्र सिंह है। और फर्स्ट स्टेट में कोवैक्सीन जो है इनिशिएटिव पंजाब लगवा रहा है, मेरा काम मेरा मान, ये स्किल जो है, ये देखो पंजाब क्या कर रहा है, वो लोग जो कि बेरोजगार हैं उनके लिए ये काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है कि उनको स्किल देगा, उनको पहले ट्रेनिंग देगा, स्किल प्रोवाइड करेगा और फिर बोलेगा तुम काम करो, और ये काम करेंगे और मतलब पहले स्किल देगा एक साल के लिए और फिर ये काम करेंगे और इसी तरह से बेरोजगारी दर खत्म हो जाएगा। मलेरकोटला जो है 23वां डिस्ट्रिक्ट बन गया है, कहाँ का, पंजाब का, पहले पंजाब में 22 डिस्ट्रिक्ट थे। अब ये है आपका HW का क्वेश्चन, होमवर्क का क्वेश्चन। देखो अब मैंने कुछ क्वेश्चन जो है वो 6 महीने के करंट अफेयर्स के रिवाइज करवाए हैं, इसी तरह से रिविजन और होगा, लेकिन मंडे को मैं बिल्कुल फ्रेश क्वेश्चन लेके आऊँगी, मंडे को जो ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे आ सकते हैं। और 6 महीने के करंट अफेयर मेरा टारगेट है कि नए क्वेश्चन प्लस 6 महीने के करंट अफेयर्स मैं ऐसे ही करवाते जाऊँ। सो प्लीज़ आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा सेशन में, और प्लीज़ जो भी डाउट है, तुम लोग जो भी प्रॉब्लम है, जो भी कष्ट है ज़िंदगी में, या फिर चैनल पे, या फिर कोर्सेज में, टेस्ट सीरीज में, शेयर करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। जैसे आज संजय जी का प्रॉब्लम है, ये तो आज मैं सॉल्व करवा ही दूँगी ठीक है। बाकी लोग जो है वो जुड़ सकते हैं मेरे साथ, कमेंट सेक्शन एक बार ध्यान से देखना, समझ में आएगा कि कहाँ पे जुड़ना है। जहाँ पे तुम लोग चैट कर लो ना, जहाँ पे मैसेज कर लो, वहाँ पे ही समझ जाओ कि कहाँ पे है, ऐड होना है, और वहाँ से आपको PDF मिल जाएगा ठीक है। सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अब हम लोग मिलेंगे मंडे को आपसे बात होगी करंट अफेयर्स पे, और आज रात 9 बजे NCERT, देखिए एक कोशिश मैंने शुरू किया है कि NCERT के बहुत सवाल आते हैं। जब भी कोई टॉपर बनता है तो उसका इंटरव्यू में बोलता है कि भाई मैंने तो NCERT पढ़ा था, सिर्फ क्या किया, NCERT पढ़ लिया। तो NCERT के काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्ज़ाम में, तो आज मैंने ये स्टार्ट किया है कि मैंने एक पूरा बनाया है, अभी इस वीक का 1000 क्वेश्चन बनाया है, ऐसे टोटल 10,000 बनाने का प्लान है। तो ये कहाँ पे होगा, मतलब बेसिकली मैं सारे क्वेश्चंस डिस्कस करूँगी जो भी आज तक एग्जाम में आया है NCERT से। और ये है एक टीचर्स अड्डा, जैसे आप अभी डिफेंस या फिर इंजीनियर्स अड्डा पे जुड़े हुए हैं, तो टीचर्स अड्डा एक चैनल है, यहाँ पे आपको आना है रात के 9 बजे, 9 PM आप एक बार आइए, देखिए वहाँ पे NCERT के जितने भी सवाल हैं जो भी एग्जाम में आते हैं वो वहाँ डिस्कस हो जाएंगे ठीक है गाइज। सो ऑल द वेरी बेस्ट, आज के दिन को यूज़ करें, टारगेट फिक्स करें कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, रूटीन में रहो, और 10 बजे से 12 बजे तक प्लीज़ कोशिश करें कि बैठ के माइंड को, ये तो बॉडी क्लॉक का एक्सरसाइज होता है कि मेरे माइंड को आदत है 10 से 12 बैठ के टेस्ट देने का, वरना क्या होता है 10 से 12 नींद आने लगता है, ब्रेन काम नहीं करता है, अगर एग्जाम देने चले जाएं तो पूरा 100% परफॉर्म नहीं कर पाते। तो 10 से 12 कोशिश करें कि आप कोई ना कोई टेस्ट हमेशा देते रहे, लगाते रहे। और फिर तुम लोग ट्रैवल इतना करते हो, मान लो कोई बस से जा रहा है, मेट्रो से जा रहा है, कार से जा रहा है, तो फोन ले लिए और बैठ के टेस्ट बना रहे हैं, टाइम भी वेस्ट नहीं हुआ, कोई बाथरूम में बहुत टाइम लगाता है, वॉशरूम में बैठ के फोन ले लो और टेस्ट बनाओ, इंस्टा और फेसबुक चलाने से अच्छा टेस्ट बनाइए, आदत डाल लीजिएगा तो हो जाएगा। अभी आपको इंस्टा फेसबुक सोशल मीडिया टाइम वेस्ट करने का आदत है, पर आप टेस्ट देने का आदत डालेंगे तो आपको टेस्ट देने का आदत हो जाएगा ठीक है। इट्स जस्ट अबाउट हैबिट। थैंक यू वेरी मच, यूज़ करें अपने दिन को बहुत वाइजली, क्योंकि ये दिन है, यही आपका रिसोर्स है, टेक्निकली एक्सेसिबल है,
इकोनॉमिकली फिजिबल है और कल्चरली एक्सेप्टेबल है. सो थैंक यू वेरी मच. यस.